नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल माली बाबा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक नए जो मौसमी फूल है इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, जिसका नाम है पैंजी। हमने अपने हैंगिंग पॉट में लगा रखा है, ये है पैंजी। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये पैंजी जो फूल है इसका हिंदी में नाम है स्त्रीवत, और इसे आम जनमानस की भाषा में लोग इसे तितली वाला फूल और बटरफ्लाई फ्लावर भी कहते हैं। ये कई शेड में आता है, जैसे कि वन शेड में हल्का सा पी बीच में स्पॉट है, ये दो शेड में है बिल्कुल ये तितली की तरह, चूँकि ये इतनी सॉफ्ट होती हैं इनकी पंखुड़ियाँ और ऐसे खिला खिला एकदम तितली की तरह लगता है, इसलिए इसे बटरफ्लाई फ्लावर भी कहते हैं। और ये वाइट है, ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, बहुत सारे वराइटीज़ में ये आता है। ये हैंगिंग पॉट का फ्लावर है, इसे आप आराम से हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं बहुत नीचे तक नहीं फैलती हैं, ये ऊपर ही ऊपर। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ये पहले नहीं लगाई हूँ, अभी रिसेंटली इसमें मेरे गेंदे का फूल लगा हुआ था तो उसको मैंने हटा करके मुझे ये फ्लावर दिखा तो मैंने ये लगा दिया। और इसमें क्या है दोस्तों कि ये ऊपर ऊपर देखिए, अभी मुश्किल से हमको ये 15 दिन लगाए हुए, बहुत छोटा सा पौधा मैं लाई थी, इसमें एक फ्लावर भी निकल आया है। एक यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, देखिए एक छोटा सा यहाँ पे कली निकली है, एक यहाँ कली निकली है। अब इसकी ज़्यादा कलियाँ पाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसकी कटिंग करते रहनी है। जितने अधिक ब्रांच होगी उतनी ही ये पूरी गोलाई में फैलेगा, ऐसे भर जाएगा, और उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर्स भरे रहेंगे। ये स्पेशली ठंड के मौसम का फूल है, और यहाँ पे ये नवंबर में आप लगा सकते हैं, जब भी आपको अवेलेबल आपकी नर्सरी में हो जाए। मुझे अभी ये मिला था तो इसलिए मैं लाई हूँ इसे, मुश्किल से 15 दिन पहले मैं लाई थी। अक्टूबर या नवंबर में आप इसे लगाइए, और अप्रैल तक आप इसे आराम से रख सकते हैं, खूब अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये भी है, ये मेरे गार्डन में येलो कलर का है, ये डेंटस है, डेंटस भी हैंगिंग पॉट का ही फ्लावर है, इसकी भी जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती हैं। ये भी सदाबहार पौधा है, ये गुलदाउदी है, येलो कलर का गुलदाउदी, इसकी भी जो जड़ें हैं ये भी बहुत नीचे नहीं जाती हैं। थोड़े बड़े पॉट में भी या गमले में भी आप लगा सकते हैं, और इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। ये भी डेंटस है, ये भी हमारे हैंगिंग पॉट में गुलदाउदी लगा है, ये डेंटस है। तो आज हम मुख्य रूप से इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा पैंजी है दोस्तों। पैंजी का हमें क्या करना है, इसमें बहुत सारे देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे धूप में रखें, क्योंकि दो इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट है, लेकिन वैसे ही इसे आप अगर आउटडोर प्लांट में, जैसे कि ठंड में धूप कम होती है तो लाइट धूप में हल्की धूप जब आती है तो आप इसे बाहर में रख सकते हैं, और इसमें 3-4 घंटे अगर धूप अच्छी मिल जाए तो ये बहुत अच्छा इसके ग्रो के लिए रहेगा। दूसरी बात मुख्य रूप से है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जैसे दोस्तों मैंने आज इसमें पानी दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, वैसे भी जिस पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है उसका यही तरीका होता है कि आप थोड़ी सी मिट्टी खोद के देख लीजिए, अगर अंदर इस तरह का मॉइस्चर हो तो आप उस दिन पानी नहीं दीजिए। नर्सरी वाले भैया ने मुझे यही बताया था कि आप इसे एक दिन छोड़ करके एक दिन करके पानी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे भी ये अनुभव से यही लगा कि नहीं, ये एक दिन छोड़ करके या 2 दिन पे भी मैं पानी देती हूँ तो ये बहुत बेटर रहेगा। अभी ये जब मैं वहाँ से लाई थी नर्सरी से तो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं थी, बहुत छोटा सा पौधा था। अब ये इतना हुआ है, इसमें 2-3 कलियाँ आ गई हैं, इसमें कलियाँ आ रही हैं, देखिए बर्ड्स, ये दोस्तों बर्ड्स आ रही हैं, इसमें यहाँ बर्ड्स आई हैं, ये बड़ा सा फूल खिला है, ये खिल गया है, तो ये तो और घना हो गया, और ये थोड़ा सा कम है, जो अभी ये ऊपर ऊपर फैल करके अच्छा खासा ये पूरा शेप गोल गोल ले लेगा, तो बहुत ही जब फ्लावर्स से भर जाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। दोस्तों आप हैंगिंग पॉट में अपने इस पौधे को ज़रूर लगाएं और इसकी सुंदरता का आनंद लें। और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, अगर आप लगाए हो, आपको कोई दिक्कत हो रही हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात दीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आपको भी अगर कोई जानकारी हो तो आप हमसे शेयर करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।